नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी के दायित्व के साथ पहुंचे नरेंद्र मोदी। विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे अपने साथियों के साथ महोबा हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर ग्रामीणों से जनसंपर्क करते हुए जगह जगह ग्रामीणों की बैठक कर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह को जिताने मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। ब्रह्मे ने लोकसभा क्षेत्र के भ्रमण के पश्चात कहा कि कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह जीत के हैट्रिक बनाएंगे और नरेंद्र मोदी 404 का आंकड़ा पार कर देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ब्रह्मे के साथ सन्यासी केशव महाराज भगवाधारी, मकरंद यादव, ओम प्रकाश तिवारी, उदित नारायण यादव, आसमानी श्रीवास, जितेंद्र सिंह, रामजी महाराज समेत अन्य साथी भी लोकसभा क्षेत्र महोबा हमीरपुर में चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। बाबा जी आपका परिचय? भगवाधारी संत केशवदास जी है, भूतेश्वर सरकार मंदिर है अपना जी। मोदी जी के लिए कार्य कर रहे हैं क्योंकि राम का मंदिर मोदी जी ने ही बनवाया है। उनसे ही आशा की जाती है कि संत सनातन धर्म को एक मोदी जी ही बढ़ा सकते हैं। मोदी जी ही कृष्ण का मंदिर भी बनवा सकते हैं। बोलिए भारत माता की जय। श्री राम। जय जय श्री राम। श्री वृंदावन जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। आपका शुभ नाम स्वामी जी? सूरज ब्रह्मे, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र मोदी विचार मंच से। बहुत बढ़िया, कैसे आना हुआ प्रभु जी? देखिए क्या है कि मुझे उत्तर प्रदेश का नरेंद्र मोदी विचार मंच का चुनाव का प्रभारी बनाया गया है जी, और इसके तहत अभी हम महोबा लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर हैं दो दिन से, और दो दिन के अंतराल में हमने पूरे गांव का भ्रमण किया जी। और गाँव का भ्रमण करने के पश्चात हमने कई जगह सभाएँ भी ली, कई बैठकें ली, और ग्रामीण क्षेत्र की जनता से आह्वान किया है कि तीसरी बार माननीय मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बनाएं। और यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चल रहे, तो उनको भारी मतों से जिताएं। ये पुष्पेंद्र सिंह जैसा हम पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं, तो ये निश्चित है कि पुष्पेंद्र सिंह जी तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे और माननीय मोदी जी भी तीसरी बार जीत कर लाल किले में झंडा फहराएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। जय हिंद। जय श्री।